सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। आज ये थर्ड लेक्चर है मेरा इस चैप्टर में और मैं आपको बता रहा हूँ आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एग्जैक्ट, ओके, सेकेंड ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट। तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट, हायर ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कोफिशियंट जिनके वेरिएबल होते हैं, ये तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, ओके। एंड ये वीडियो सभी भी बीई बीटेक BSc, MSc, ओके, नेट, JRF की तैयारी के जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशियंट। अब सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करूँगा कि हम एग्जैक्ट क्यों पढ़ते हैं, एग्जैक्ट आखिर हमें लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार बता देता हूँ मैं कि हमने अभी तक होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट, सॉरी, विद वेरिएबल कोफिशियंट एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन हम कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि एग्जैक्ट क्यों, वाई एग्जैक्ट, हम एग्जैक्ट मेथड क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्या हम होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाले फॉर्मेट सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट से? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के ही क्वेश्चंस हम एग्जैक्ट से सॉल्व करेंगे। और इसलिए क्योंकि यदि आप इन मेथड से इनको ऑर्डिनरी करेंगे, एक एग्जांपल भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि अगर आप इन होमोजीनियस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो टेक्निक बहुत टाइम टेकिंग होगी, आपका बहुत सारा वक्त बर्बाद करेगी, बट एग्जैक्ट मेथड के यूज़ से आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा, ओके। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा तो वो होमोजीनियस से भी सॉल्व हो रहा होगा, बट यदि आप उसमें होमोजीनियस मेथड अप्लाई करेंगे तो वो मेथड बहुत लंबा जाएगा, उसका सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अभी तो देख लिया हमने कि एग्जैक्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। तो एग्जैक्ट में सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं कि इसमें जो आपको इक्वेशन दी होगी उसमें फॉर्म क्या रहेगी। तो ये ऑलमोस्ट वही फॉर्म है जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं होमोजीनियस में। देर इज़ सम वेरिएबल कोफिशियंट पी नॉट एंड देन पी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर देन पी वन डी वाई बाई डी एक्स एंड देन पी टू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारे पास फॉर्म रहेगी पी नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वन डी वाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल्स टू क्यू। दीज और पी जीरो पी वन एंड पी टू एंड क्यू आर, ये जो सारे के सारे हैं ये क्या हैं, ये एक्स के वेरिएबल टर्म हैं। अब ये याद कर लो भाई कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट की, अगर एग्जैक्ट में है कि नहीं है कैसे पता लगाओगे? तो एग्जैक्ट में है या नहीं है पता लगाने के लिए पी टू, पी टू मतलब वाई का कोएफिशिएंट लास्ट वाला, माइनस पी वन डैश, पी वन डैश मतलब यहाँ एक्स इसका डेरिवेटिव, और प्लस पी वन डबल पी जीरो डबल डैश, अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट वाली फॉर्म की है, और अगर एग्जैक्ट वाली फॉर्म की है तो आपका ये जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पी नॉट प्लस डी वाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैस ओ वाई एंड क्यू डी एक्स इक्वल्स टू सी। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका इक्वेशन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, पी नॉट डी वाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट टाइम्स वाई क्यू डी एक्स इक्वल्स टू क्यू डी एक्स इक्वल्स टू सी। इतनी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाए आपको, ओके, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो सी सी हियर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ओके। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी डी टू वाई डी एक्स टू प्लस फोर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो चलो सारे कंपेयर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पी नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड पी वन इक्वल टू कितना दिख रहा है, या साफ साफ दिख रहा है पी वन इक्वल टू कितना, फोर एक्स है। एंड पी टू इक्वल्स टू कितना दिख रहा है जी, पी टू इक्वल्स टू टू दिख रहा है, ओके। एंड क्यू इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, क्यू इक्वल्स टू दिख रहा है ई की पावर एक्स। अब देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश। तो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश, इसको निकालते तो पी टू की वैल्यू रख दो यार, पी टू की वैल्यू है टू, पी वन डैश, पी वन डैश, पी वन क्या है फोर एक्स है, तो पी वन डैश कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और प्लस पी नॉट डबल डैश,
इसका पहला डैश करोगे तो 2x आएगा, और इसका फिर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 प्लस 2, 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। बिल्कुल सही है भाई, मतलब ये इस पर एग्जैक्ट लगेगी, ये सी लगा दो, इस पर एग्जैक्ट लगेगी। और अपन इसको एग्जैक्ट मेथड से बड़ी ब्यूटीफुली, बड़े आराम से एग्जैक्ट मेथड से इसका हम डिफरेंशिएशन, सॉरी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ कैसे सॉल्व करते हैं, आगे इस पर बात करते हैं। तो हमने देखा कि हमें जो दी गई डिफरेंशियल इक्वल एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वी कैन राइट इट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट डी बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट का डैश टाइम्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स प्लस सी, ये लिख देंगे। ओके, पी नॉट कितना था जी, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस पी वन, पी वन कितना था, 4x, और फिर पी नॉट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टाइम्स y इक्वल्स टू e की पावर x dx प्लस c, बिकॉज q इज इक्वल्स टू कितना है इस क्वेश्चन में, हमारे पास q इक्वल्स टू दिया गया मुझे e की पावर x, एक मिनट चेक कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो q इक्वल्स टू, राइट, दिस इज q आवर, ये अपना q है, सो q हमको क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, e की पावर x, ओके, dx प्लस c। चलिए सॉल्व करते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2x e की पावर dx प्लस c, c को मैंने c1 ले लिया टेम्परेली, कोई नया कांस्टेंट ले लिया c1। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, यहाँ बन गया डी बाई डी एक्स प्लस 2x में एक x कट गया, 2 अपॉन x प्लस होल e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही आएगा, c1 आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये देखिए, ये जो हमारे पास फॉर्मेट बन रही है, ये क्या बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ओके, और तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, आई एफ निकालते हैं, आई एफ इक्वल टू 2 अपॉन एक्स डी एक्स, सो कितना हो जाएगा, 2 लॉग एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया आई एफ। नाउ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डैश डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्यू डैश फाइनली सॉल्व होने के बाद कितना आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, ई की पावर एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आई एफ तो एक्स स्क्वायर आ ही चुका है, क्यू डैश की जगह ये वैल्यू प्लेस कीजिए, काट दीजिए एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बता, ई की पावर एक्स प्लस सी वन बच गया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, सी वन का इंटीग्रेशन सी वन एक्स प्लस कितना सी टू, सो वी हैव द फाइनली द सोल्यूशन इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ये हमारे पास इस तरीके से टोटल सोल्यूशन आ चुका है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई हैव यू हैव नो प्रॉब्लम। तो कितना ईजी है देखो आप, अगर मैं इसको होमोजीनियस से करता तो बहुत दिक्कत होती, इसलिए ये मेथड बहुत सुटेबल है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट हम चेक करते, देखो ये होमोजीनियस दिखाई दे रहा है, लीनियर है, होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हायर ऑर्डर में सबसे पहले कोफिशिएंट पी नॉट एक्स स्क्वायर, पी वन 3x और पी टू इक्वल टू कितना है 1 है। ओके, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना 1 है। नाउ सबसे पहले आप चेक करो पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी वन पी नॉट डबल डैश। ओके, पी टू कितना है 1 है, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन में आता है, कितना माइनस 3, और इसका डिफरेंशिएशन डबल बार प्लस साइन में आता है प्लस 2, तो कितना हो रहा है 0 आ रहा है, मतलब दिस इज एग्जैक्ट। सो नाउ यू कैन राइट द राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट डी बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैश वाई इक्वल्स टू क्यू डी एक्स प्लस सी वन। ओके, तो पी नॉट कितना है एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस पी वन कितना था 3 एक्स में से 2 एक्स चला गया, पी डिफरेंशिएट करेंगे 3 एक्स माइनस 2 एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्यू की वैल्यू है एंड डी एक्स प्लस सी वन। ओके, सो एक्स स्क्वायर 3 एक्स में से एक्स गए कितना बचा जी एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दो, इसको टी लेकर के कितना आएगा, तो माइनस डी एक्स बनेगा, जिससे ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी वन। सो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए डी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया इसके, ये राइट साइड में, ओके, इक्वल लगा हुआ है राइट साइड में, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो गया सी वन। तो ये बन चुका है हमारा किस फॉर्म में, ये हमारे पास बन चुका है अपने लीनियर हो लीनियर फॉर्म में। सो आई एफ निकालिए, आई एफ इक्वल टू ई की पावर 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये आ जाएगा। सो वाई इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, सो आई एफ की वैल्यू एक्स, क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो क्यू आया है नया वाला ये बना अपना, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी वन, इसको पुट कर दीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, सो वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी टू। देखो अब ये वाला जो पार्ट है ये कैसे सॉल्व होगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ लगा के हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
ओके तो पार्शियल का यूज़ किया मैंने, वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स। सब्सटीट्यूट किया करके ए की वैल्यू आ गई वन, बी की वैल्यू आ गई वन। सो देखिए आई कैन राइट इट वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। सो वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू, मतलब जो हमारे पास फंक्शन था वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी टू। सो वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स देन लॉग वन माइनस एक्स प्लस सी वन कॉन्स्टेंट लॉग एक्स प्लस सी टू, दिस इज आवर सोल्यूशन। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस ही थे, बट इनको हमने किस मेथड से सॉल्व किया, एग्जैक्ट से सॉल्व किया। और एग्जैक्ट से सॉल्व करने के लिए देखा आपने ओके, और इसका रूल क्या होता है एग्जैक्ट का, कि यहाँ पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये जो कंडीशन अच्छे से याद रखिएगा, इसकी कंडीशन होती है पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी टू पी नॉट डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। तो आपने देखा एग्जैक्ट की मदद से यही क्वेश्चन कितना सिंपली तरीके से, बड़े आसान तरीके से हो गया। अब आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को होमोजीनियस से करिए, आपका बहुत सारा समय ख़राब होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेथड वाकई काम की है। ओके तो अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ओके चलिए दोस्तों एक और नेक्स्ट और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा सा और ज़्यादा कंसेप्ट आपके डेवलप करेगा इस मेथड में, जिसका नाम चल रहा है क्या चल रही है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके एग्जैक्ट टाइप। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी स्क्वायर बाई डीएक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस थ्री डी बाई डीएक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। ओके तो वैसे तो बड़ी मुश्किल लग रही है देखने में, है ना, तो पहले हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट है कि नहीं है। सो तेज यहाँ पे देखिए तीन कॉन्स्टेंट पी जीरो पी वन एंड पी टू, तो पी जीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पी वन इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस थ्री एंड पी टू इक्वल टू कितना हो गया टू। नाउ पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश काउंट करते हैं अपन, तो पी टू पी टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन टू, पी वन डैश कितना हो जाएगा सिक्स और पी नॉट डबल डैश कितना हो जाएगा पी टू इक्वल्स टू टू पी वन डैश इक्वल टू सिक्स एंड इसका डबल डैश कितना हो जाएगा फोर। तो ये सॉल्व करने पे जीरो आ गया, दैट इज एग्जैक्ट। सो वी कैन राइट इन फर्दर, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट डी बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैश इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू डी एक्स प्लस सी। सो पी नॉट डी बाई डी एक्स पी नॉट कितना टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट, तो पी नॉट डैश पी वन कितना है अपने पास सिक्स एक्स प्लस थ्री और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री, डिफरेंशिएट कर सब्ट्रैक्ट कर दिया वाई इज इक्वल्स टू क्यू डी एक्स, क्यू कितना है यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। सॉल्व करिए एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए कितना मिला एक्स टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स प्लस थ्री में से थ्री कैंसिल हो गया से फोर सिक्स में एक्स सिक्स एक्स में से फोर एक्स गए टू एक्स टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स। ओके एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स हो गया यहाँ पे, और एक्चुअली यहाँ पे हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इंटीग्रेट किया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स का होल इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर एक्स प्लस कितना सी वन। इसको कैंसिल कर दीजिए, ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा बट एक बचेगा एक्स ई की पावर एक्स। सो वी कैन राइट इट हियर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये इसका कोएफिशिएंट है इसको डिवाइड कर दो, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे टू अपॉन कितना जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे ओनली एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। ओके क्योंकि ये जो है एक्स टू एक्स प्लस थ्री कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ आई एफ इक्वल्स टू ई टू पावर पी डी एक्स, सो ई टू पावर टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इसको सॉल्व करेंगे। ओके सो ई की पावर कितना आ जाएगा लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू लॉग से ई कैंसिल हो गया टू एक्स प्लस थ्री। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन बचा है, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सॉरी वाई निकालना है, तो क्या होती है क्या होता है सोल्यूशन इसका वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी टू न्यू कॉन्स्टेंट। तो चलिए वैल्यू पुट करते जाते हैं जस्ट और हमारा आंसर आता जाएगा। तो देखिए ये हमारा सोल्यूशन आ गया वाई इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू। ओके इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी है ये सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी टू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई इसको हम सॉल्व करते हैं। नोट करिए
तो ये मैंने आपके सामने एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन लिखा है, ये साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई। तो सबसे पहला काम साइन स्क्वायर के कोफिशियंट को यहाँ ले जाओ, तो टू वाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टू वाई इक्वल्स टू जीरो। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये देखिए, अब ये आपके पास ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जैक्ट फॉर्म दे देगा, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो ये सॉल्व होकर के जीरो तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखो आपकी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अपन जानते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स हुआ करता है, ओके। क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो मतलब कहने का कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, ओके। माइनस तो यही है, तो आप एक काम करिए, इसका आईएफ जो इसका इंटीग्रेट करने पर आ रहा है, ओके, इस माइनस साइन को साथ लेके इंटीग्रेट करने पर आ रहा है, आप उसको इसका आईएफ ले लो। तो आईएफ इक्वल टू कितना हो गया, कॉट एक्स, और आईएफ को अपन क्या करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में, ओके। तो मल्टीप्लाई करिए तो ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाएगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू कॉट एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे पी जॉन्ट हमारे पास आ चुकी कितनी, कॉट एक्स, पी वन है नहीं है डी बाई डी एक्स का टर्म, तो इसलिए कितना हो गया जीरो, एंड पी टू इज इक्वल्स टू माइनस टू कॉट एक्स इंटू कॉस एक स्क्वायर एक्स। चलिए अब कंडीशन लगाते हैं हम, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश इक्वल्स टू, चलिए तो पी टू की वैल्यू कितनी है, माइनस टू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस जीरो, और पी जीरो डबल डैश का डिफरेंशिएशन करिए पी जीरो का, तो पी जीरो हमारे पास क्या है, कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, तो डबल डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हमारे पास आता है टू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, जो कि कैंसिल होकर के क्या दे देगा, जीरो। मतलब ये रिड्यूसिबल हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, होमोजीनियस फॉर्म में, ओके। तो ये एग्जैक्ट मेथड है, ओके, तो ये एग्जैक्ट में रिड्यूस हो रहा है, होमोजीनियस में नहीं, ये एग्जैक्ट मेथड है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं एग्जैक्ट में, तो हम लिखते हैं पी जीरो डी बाई डी एक्स पी वन माइनस पी जीरो डैस वाई टू क्यू डी एक्स प्लस सी वन। पी जीरो की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स डी बाई डी एक्स प्लस पी वन हमारा जीरो है माइनस पी नॉट डैस, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि पी नॉट हमारे पास कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस एक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि वैल्यू जीरो है, जीरो डी एक्स प्लस सी वन, क्या बन गया ये, कॉट एक्स डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू ओनली सी वन। चलिए देखिए, ये आप कॉट एक्स को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए इसको कॉस एक्स स्क्वायर एक्स में वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस अपॉन साइन, तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, वन अपॉन साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस का साइन ऊपर आएगा और कॉस नीचे आएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। बट इसको हमें और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे पी दिख रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ए की पावर पी डी एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ माइनस लेता हूँ, बाहर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई एफ
इज इक्वल्स टू आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये माइनस यहाँ लिख सकते हैं, यदि माइनस ऊपर ले गया मैं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग ऑफ वन अपॉन कॉट एक्स, ई से लॉग कैंसिल, कितना आ गया आई एफ आपके पास कॉट एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गया, एक बार फिर से बता देता हूँ, आई एफ इक्वल टू ई की पावर माइनस माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स डी एक्स, तो ई की पावर माइनस लॉग कॉट एक्स, तो ई टू द पावर लॉग कॉट एक्स में पावर नेगेटिव चला जाएगा वन अपॉन कॉट एक्स, तो ई से लॉग कैंसिल, कितना बचेगा ओनली कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है आई एफ। अब इसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, वन अपॉन कॉट एक्स आएगा, लॉग वन बाई कॉट एक्स दैट इज इक्वल्स टू टेन एक्स, तो ये हमारा आई एफ आ चुका है। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, सोल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर का, अपन जानते हैं लीनियर का जो सोल्यूशन हुआ करता है वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी टू, तो y इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू आई एफ, कितना हमारे पास आई एफ भी हमारे पास है टेन एक्स, एंड जो c1 निकला है वो है c1 वन अपॉन कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी टू, टेन से कॉट कैंसिल हो जाएगा, नहीं 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 होगा, गलत कर दिया मैंने, 10 से कॉट मल्टीप्लाई में कैंसिल होता है, सॉरी एक बार इसको मैं फिर से सही लिख रहा हूँ, चलिए एक बार इसको फिर से लिखता हूँ, तो y इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी वन अपॉन कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी टू, सो y इंटू टेन एक्स दैट इज इक्वल टू, ये कॉट को ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सी वन डी एक्स प्लस कितना जी सी टू भाई 10 एक्स इक्वल्स टू सी वन बाहर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी टू वाई 10 एक्स इक्वल्स टू सी वन सी वन टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का डी एक्स प्लस सी टू वाई टेन एक्स इक्वल टू सी वन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी तो वाई टेन एक्स इक्वल्स टू सी वन टेन एक्स माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो इसको अच्छे से करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से करिए, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें सॉल्व करने में, और इस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,